नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट विष्णु मिडालिया। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन आज तक में। दोस्तों, आज जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, जिस मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं, वह मेडिसिन आमतौर पर मैं समझता हूं कि कम ही लोग उस मेडिसिन को जानते होंगे, और आज उस मेडिसिन को मैं बताकर आपको बता दूंगा कि उसको आप कैसे प्रयोग करें और क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, कितनी मात्रा में उसको प्रयोग में ला सकते हैं, सब कुछ मैं इसमें डिटेल कर दूंगा इस वीडियो में, और क्या क्या उसकी उपयोगिता, किस किस उपयोग में आप उसको ला सकते हैं। और वो एक पैकेट पैकेट के फॉर्म में है, वो अगर एक पैकेट आप यूज़ करें तो एक पैकेट कई बीमारियों को सही करने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक की ओर आता हूँ और आपको वो चीज़ बताता हूँ। मार्केट में ये कैल्शियम के पैकेट आते हैं, कैल्शियम के हम सैशे बोलते हैं उसको, दो प्रकार के ये आते हैं, दो प्रकार के कहने का मतलब है दो प्रकार के ज़्यादा प्रचलित हैं। एक कैल्सिफिरॉल नाम से है जो कैडिला का है, और एक सिपकोल D3 जो मेरे पास इस टाइम उपलब्ध है, ये आप देख लीजिए। ये दो प्रकार की मार्केट में जो ज़्यादा चलन में रहते हैं, प्रचलित हैं, वह ये दोनों ही हैं, कैल्सिफिरॉल और सिपकोल D3। तो एक ही चीज़ है, एक एक ग्राम के ये पैकेट हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है, दोनों को प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और थोड़ा रेट का अंतर है, वो लगभग 50-51 का है, और ये 35 या 36 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है। तो अब इसका मैं उपयोग बता देता हूँ, किस लिए ये उपयोग में लाया जाता है। एक तो ये आपको, जैसे यदि आपकी हड्डियों में दर्द है, आपको लगता है कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, या दांत आपके हिलने लगे हैं, दांत में कमी आने लगी है, जोड़ों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, आपके चलने में थकावट सी महसूस होती है, आपको लगता है कि मेरे हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी जैसे हड्डी टूट चुकी हो, या पुरानी क्रैक हो और दर्द करती हो, उसमें भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। या कमर आदि दर्द, मतलब किसी भी प्रकार का दर्द हो, या कैल्शियम की आपको कमी आ रही हो, तो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग कैसे करना, प्रयोग विधि भी बहुत ईजी है, ये बहुत सस्ता आपको पड़ भी जाता है। आपको प्रयोग क्या करना है, आप इस सैकेट को हफ्ते में एक बार प्रयोग करना है, और मतलब हफ्ते में एक बार आप इसको पीना है। इस टाइम में जैसे कोरोना चला था, उस समय इसका प्रयोग बहुत किया गया लोगों के द्वारा, कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि कोरोना होने के कारण कैल्शियम की कमी कईयों के अंदर हड्डियों में दर्द आदि होने लगा था, तो इसका प्रयोग बहुत हुआ। और आप जनरली भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आपकी उम्र 30 से ऊपर है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी पेन वगैरह या कुछ इस प्रकार की कोई बीमारी आपको होने लगी हो, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई इसमें कोई समस्या नहीं, कोई नुकसान इसका कोई है नहीं, फ़ायदे ही फायदे हैं, तो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है, हफ्ते में एक बार इसको प्रयोग करना है, दूध के साथ इसको दूध में डाल के रात को पी लेना है। तो हफ्ते में एक बार प्रयोग करके मतलब महीने में 4 बार आप इसको प्रयोग में ले आएँ, एक एक पैकेट हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसको गैप कर दें, यदि ज़्यादा बीमारी है तो 2-3 महीने तक आप इसको ऐसे ही प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है उसमें आपको निजात मिल जाएगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की अगर कैल्शियम से संबंधित बीमारी का कोई भी दर्द या दांत में भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दांत अगर हिल रहे होंगे तो उसमें भी, या कच्चे आपको महसूस होंगे कि कचकचे जैसे लग रहे हैं, तो उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज मैंने आप बता दी कि कैसे इसका प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, और कैसे कैसे ले सकते हैं, किस किस के उपयोग में ये आता है। तो आप इसको मार्केट से ख़रीदें, निश्चित रूप से कोई ज़्यादा महंगी चीज़ तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि पुरुषों को भी इसका प्रयोग में लाना चाहिए, 45 से ऊपर वाले जो आदमी हैं उनको इसको ले लेना चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और महिलाओं को भी इसको ले लेने चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, कल पुनः उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, कोई नई दवाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम।